नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राम रतन सोनी है और मैं जीरो बी आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड में काम करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने अपने कंपनी के बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूं, स्पेशली उसके फायदे और उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी कोरोना नामक वायरस बीमारी संपूर्ण विश्व में, हमारे देश में, हमारे शहर में फैली हुई है, जिसके तहत हमें अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहना है, चेहरे पे मास्क लगाकर घूमना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लेकिन क्या हम बाहर से लाई गई सब्जियां, फल, दूध के पैकेट, ब्रेड के पैकेट या अन्य किराना सामान को सैनिटाइज या डिसइंफेक्ट कर रहे हैं? नहीं। और यदि कर भी रहे हैं तो ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं, जैसे गर्म पानी से धोना, बेकिंग पाउडर से धोना या धूप में रख देना। इन सब चीजों से मुक्ति पाने के लिए आपको यह प्रोडक्ट यूज करना है, जीरो बी सुरक्षा टैप। यह टैप आयोडीनेटेड रेजिन टेक्नोलॉजी पर आधारित है और सस्टेन रिलीज फार्मूला पे वर्किंग करता है, जिसके तहत इसके टैप से निकले गए पानी में आयोडीन की बहुत ही सीमित मात्रा होती है और आयोडीन एंटीबैक्टीरियल होता है, जो कि जर्म बैक्टीरिया वायरस को मार देता है। जब आयोडीनेटेड पानी सरफेस पे कॉन्टेक्ट पे आता है तो सरफेस के कॉन्टेक्ट पे जो भी बैक्टीरिया वायरस जर्म होते हैं वो किल हो जाते हैं और यह किसी भी नल पे आसानी से फिट हो जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फिट करते हैं। इसे अनपैक कर देंगे। ये सेडिमेंट फिल्टर है, ये एक बड़ा है बड़े नल के लिए, ये छोटा है छोटे नल के लिए, और ये अगर मॉड्यूलर नल है मॉडर्न टाइप का तो उसमें परमानेंट फिट करने के लिए। ये खोल लेंगे, इसके अंदर ये हटा देंगे, फिर ये एक सेडिमेंट फिल्टर इसके अंदर डाल देंगे। सेडिमेंट फिल्टर जो रहता है पानी से रेत मिट्टी को हटा देता है। फिर इसे अच्छे से टाइट कर देंगे और इसकी सील को खोल देंगे। अब जैसे ये वाला नल है तो इसमें ये पहले ये लगेगा, बड़ा है, ये आ गया, लग गया। अब इसके बाद आप ऐसे इसे कर सकते हैं। अब हमें फ्लो को 2 लीटर पर मिनट पर ही रखना है अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, और नल को सिर्फ 25% या 1/4 ही खोले। और इससे जो पानी निकल रहा है उसके नीचे फल को, सब्जी को, दूध के पैकेट, किराना सामान को रख के धो के सैनिटाइज या डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। बेहतर रिजल्ट के लिए इसके पानी को गंजी में या बाल्टी में रख ले और फिर 30 सेकंड से 40 सेकंड तक डुबा डुबा के निकाल ले, ताकि उससे अच्छा बैक्टीरिया और वायरस आयोडीनेटेड वाटर के कॉन्टेक्ट में अच्छे से आने से किल हो जाएंगे। अब आपका नल अगर दूसरे टाइप का है, छोटे टाइप का है, जैसे कि ये है, तो इसमें ये डायरेक्ट लग जाएगा, ये लग गया, ठीक है। और यदि आपको परमानेंट फिट करना है तो ये आप ऐसे खोल लेंगे, ये निकाल लेंगे, और इसे लगा देंगे, ये लग गया, ये इसके अंदर फिट कर देंगे, तो ये अच्छा फिट हो गया परमानेंट, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आयोडीन रेजिन खत्म हो जाएगा तो ये सरफेस जो है व्हाइट है ये लाल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।